हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मात्र एक दिन बाकी है। आज शनिवार शाम से सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार बंद कर देंगी। उससे पहले आज चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। इनका पवन खेड़ा और वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा। आप सबका स्वागत है और मुझे खुशी है कि मैं आज चंडीगढ़ में आप सबके साथ में बैठा हुआ हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। जैसा आपको अपन मालूम है कि आज अंतिम दिन है प्रचार का और आज मुझे आने का सौभाग्य मिला। जिस प्रकार के हालात पूरे देश में बने हुए हैं, डेमोक्रेसी के अंदर मेरा मानना है कि जब कुछ सरकार बनती है तो अगले चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस जनता के सामने रखती है कि हमारी उपलब्धियाँ रही है, हमने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, ये वादे पूरे कर पाए, कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए, देखा जो का बताया जाता है, फिर वोट मांगे जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के ये अप्रोच है। वैसे दो ही लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। उनकी अप्रोच एक अजीब है कि वो चाहे महाराष्ट्र में जाते चाहे हरियाणा में आते हैं, वो नेशनल भावात्मक मुद्दे उठा के बात करते हैं। इसके मायने उनके पास गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बताने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इस प्रकार की भावना लोगों में भावात्मक मुद्दे रख के राष्ट्रवाद को लेके, धर्म के नाम पर राजनीति को लेके और सेनाओं के पीछे छिप करके वो लोकसभा चुनाव जीत गए। अब धारा 307 और मिला दी उसमें, इस रूप में वो पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कब तक वो इस प्रकार की भावात्मक मुद्दे उठा करके जनता को गुमराह करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सेना के पराक्रम की बात करें तो आप सबको मालूम है कि चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, 71 के तो अंदर इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और 93,000 उनके जनरल कर्नल मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए, वो भी वो माहौल था उस जमाने का, पर उसकी कोई चर्चा नहीं करते। मोदी जी ने आज तक 6 साल में कभी चर्चा नहीं करी, पहले भी क्या क्या हो गए हैं उपलब्धि है और कहते हैं कि 70 साल में क्या क्या कांग्रेस। हम कहते हैं 70 साल में आज सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए, इसरो बन गया 50 साल पहले, उसकी उपलब्धि है, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, चंद्रमा पे जाने की बात हो रही है, 100 उपग्रह एक साथ छोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये उपलब्धि है? 4 साल में हुई, 4 महीने हुई, कुछ जवाब उनके पास नहीं। पर 70 साल में क्या किया? मैंने कहा 70 साल में हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे और वापस सैनिकों के शासन, बार बार प्रधानमंत्री को जेल, जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जेल भेज के बाद में फांसी भी लटका दिया। हमारे यहाँ 70 साल में कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, गांधी जी की सानिध्य में बैठ के जो राजनीति की, त्याग और बलिदान की, जेलों में जाने की, अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया और 70 साल तक इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, सरदार बेंची ने जान दे दी और देश को एक रखा, अखंड रखा और लोकतंत्र कायम रखा। अगर लोकतंत्र कायम नहीं रहता तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनते, इसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी है आज इसलिए वो प्रधानमंत्री बन पाए, पर आज उनके प्रधानमंत्री काल में जिस प्रकार से भय का माहौल, आक्रोश का माहौल, हिंसा का माहौल जो देखने को मिल रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और डेमोक्रेसी के खतरे हैं। आज डेमोक्रेसी लगता है कि समाप्त हो रही देश से। 49 हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने, अगर मान लो
शिकायत की प्रधानमंत्री जी से, लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको अब राष्ट्रद्रोह के केस बन सकते हैं देश के अंदर। दुनिया के मुल्कों ने क्या सोचा होगा, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये स्थिति आ गई है कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दायर कर दो लोगों पे। इन हालातों में मुल्क चल रहा है, सारी संस्था बर्बाद हो रही है, जुडिशरी पे दबाव है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स दबाव में काम कर रहे हैं, और मोदी जी जिस प्रकार से विदेश जाकर के पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आजादी के बाद में कभी ऐसी परंपरा दुनिया में रही नहीं। और अगली सरकार ट्रंप सरकार, अगर मान लीजिए वाजपेयी बने थे विदेश मंत्री 77 में, जब मुरारी भाई देसाई बने प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कहा विदेश नीति वही रहेगी जो कांग्रेस शासन के वक्त में थी। और इन्होंने क्या किया, अगली सरकार ट्रंप सरकार, अगर इसका मतलब मान लो पार्टी दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो आपके देश के साथ क्या रिश्ते रहेंगे। महात्मा गांधी की बात करते हैं लोग, 50-60 साल तक महात्मा गांधी की बात कभी नहीं की इन्होंने, ना सरदार पटेल की। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, आरएसएस ने लिख के दिया था कि हम जिंदगी में कभी भी राजनीति भाग नहीं लेंगे, सांस्कृतिक दल के रूप में काम करेंगे। अब ये महात्मा गांधी पे कब्जा कर रहे हैं, सरदार पटेल पे कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीनों को इन्होंने कभी नहीं माना। अब मैं इनसे कहना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आ गई ये 50-60 साल बाद में, तो आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, हम पहले महात्मा गांधी को समझ नहीं पाए थे, हमारी भूल हुई है, अब हम उनको अपना रहे हैं, और वो भी दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, खाली जुबान से। वरना जब मिस्टर ट्रंप ने कहा अमेरिका में कि ये हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता है, उसी वक्त मोदी जी को टोकना चाहिए था मिस्टर ट्रंप को, मिस्टर ट्रंप हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राष्ट्रपिता वो है महात्मा गांधी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके मायने कि आप अमेरिका के राष्ट्रपिता बन के आ गए यहाँ पर, और राष्ट्रपिता के रूप में आपको स्वागत करवा दिया वहाँ पर, एयरपोर्ट में स्वागत कैसा वो सबको मालूम है। इस रूप में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के राजनीति कर रहा है वो देश को कहाँ ले जाएगा, ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। और मेरा मानना है कि पीएमओ जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जब से सरकार आई 14 में तब से सारे राज्यों में कौन कांग्रेस का नेता या सिंपेथाइजर इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वो नेता हो, उनको कैसे फंसाया जाए, उसकी पूरी मॉनिटरिंग पीएमओ से हो रही है। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।